नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शार्प टीम पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ट्रेन से पहुंचे अयोध्या, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महामहिम का किया स्वागत। रामकथा पार्क में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीप जलाकर रामायण कंक्लेव का किया शुभारंभ। इस दौरान उसके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति को रामनामी उड़ाकर राम दरबार का चित्र भेंट किया। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति की धर्मपत्नी को बनारसी साड़ी भेंट की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ने किया रामायण कंक्लेव की शुभारंभ। नवंबर 2021 तक किया जाएगा आयोजित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विकास योजनाओं का किया शिलान्यास और साथ ही डाक टिकट का किया विमोचन। महामहिम का संबोधन, कहा अयोध्या वही है जहां राम है, राम के बिना अयोध्या की कल्पना असंभव। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि रामराज्य में आचरण की सहजता का विवरण रामकथा से लोगों को जोड़ना है। रामायण में राम निवास करते हैं। रामकथा की लोकप्रियता विश्व में भी है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया की रामलीला बहुत मशहूर है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अयोध्या शोध संस्थान तैयार किया जा रहा है। तीन बजकर 40 मिनट पर अयोध्या रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति की होगी वापसी। 3:50 मिनट पर प्रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेन से लखनऊ के लिए होंगे रवाना। पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन, कहा मेजर ध्यानचंद ने हॉकी का दुनिया में डंका बजाया। ध्यानचंद जी का जीवन खेल को समर्पित था। इस बार 4 दशक के बाद ओलंपिक में हॉकी को पदक मिला। पीएम मोदी के मन की बात का 80वां एपिसोड। मन की बात में बोले पीएम, आज का युवा कुछ करना चाहता है। युवाओं का मन बदल चुका है, मंजिल नहीं, राह नहीं और चाह भी नहीं है। मोदी ने कहा हॉकी में पदक मिले बिना भारतीय नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। इस बार ओलंपिक ने बड़ा प्रभाव पैदा किया है। ओलंपिक के बाद पैरालंपिक्स अभी चल रहा है। हमारे खेल जगत में जो कुछ भी हुआ वह विश्व की तुलना में भले ही कम हो लेकिन विश्वास भरने के लिए काफी कम। देश के बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चों के खेल में आगे जाने पर खुशी होती है। यह तो तलख दिख रही है कि मेजर ध्यानचंद को असली श्रद्धांजलि है। मन की बात में पीएम मोदी ने इंदौर की तारीफ की, बोले वहां के लोग स्वच्छता में नया करना चाहते हैं। इंदौर देश का स्वच्छता रैंकिंग में भी सालों से नंबर 1 है। मोदी ने कहा दुनिया के लोग अब आज भारतीय अत्यात्मक और दर्शन के बारे में इतना कुछ सोचते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन महान परंपराओं को आगे लेकर जाए। मोदी ने आगे कहा कि कल जन्माष्टमी महापर्व भी है। जन्माष्टमी का ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व है। वहीं उन्होंने कहा कि अभी कुछ वक्त पहले भारत ने अपना स्पेस खोला है, देखते देखते छात्र यूनिवर्सिटी और प्राइवेट सेक्टर के नौजवान इसके लिए आगे आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान के बदलते हालात हमारे लिए चुनौती है। इन हालातों में हमारे देश को फिर से सोचने पर मजबूर किया है। भारत की क्षमता होने के बाद भी भारत ने किसी भी पड़ोसी देश पर आक्रमण नहीं किया है और ना ही किसी पड़ोसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है, ऐसा भारत का इतिहास रहा।
गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में सीएम योगी ने सुनी फरियादियों की फरियाद, अधिकारियों को दिया निर्देश। अनुसूचित जाति कल्याण महासमिति का राज्य स्तरीय सम्मेलन आज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हो सकते शामिल। कानपुर के सांसद और विधायक भी रहेंगे मौजूद। ध्यानचंद की जयंती पर एसपी करेगी खिलाड़ी घेरा का आयोजन। खिलाड़ी घेरा में हर खिलाड़ी रख सकेगा अपनी डिमांड। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर एक और एफआईआर दर्ज। पत्नी नूतन ठाकुर पर भी दर्ज हुआ मुकदमा। गोमती नगर थाने में दर्ज की गई एफआईआर। सपा में शामिल होने के बाद अंबिका चौधरी का बयान। कहा, प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार की नीतियों से त्रस्त। किसान, युवा, कमजोर तबके के लोगों की हालत दयनीय हो गई। सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी धर्म जाति के नाम पर समाज में भेद पैदा कर रही है। बीजेपी सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रही है। माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई शिवगातुला अंसारी और अंबिका चौधरी के सपा ज्वाइन करने पर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव अशोक सिद्धार्थ ने बोला, बड़ा हमला। बसपा नेता ने सपा ज्वाइन करने वाले दोनों नेताओं को दगा हुआ कारतूस कहा। वैक्सीनेशन में यूपी ने बनाए दो रिकॉर्ड। एक दिन में 30 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन पर यूपी का अव्वल रहने का रिकॉर्ड कायम। यूपी में 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगे स्कूल। एक सीट पर एक बच्चा करेगा अकेले लंच। क्लास 1 से 5 तक के बच्चे का कर सकेंगे स्कूल। काफी समय से कोविड की वजह से बंद थे स्कूल, क्योंकि पैरालंपिक में मिला पहला मेडल। भाविना ने भारत को धुलाई चांदी। टेबल टेनिस के वेमेन सिंगल मुकाबले में जीता सिल्वर मेडल। भाविना पटेल के सिल्वर जीतने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की उनकी सराहना। कहा, भाविना की जीत भारत के लिए गर्व की बात। पैरालंपिक टेबल टेनिस में सिल्वर जीतने पर भाविना पटेल से पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। कहा, उनके जीवन का सफर प्रेरणात्मक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भाविना को बधाई देते हुए कहा, टोक्यो पैरालंपिक्स में महिला टेबल टेनिस में रजत पदक जीतने पर भावना पटेल को हार्दिक बधाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भाविना पटेल को मेडल जीतने के लिए बधाई थी। उन्होंने लिखा, भाविना पटेल को सिल्वर मेडल जीतने के लिए बधाई। पैरालंपिक में भाविना पटेल के सिल्वर मेडल जीतने पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, भारत आपकी उपलब्धि की सराहना करता है। आपने देश को गौरवान्वित किया है। मधुबनी में दबंग युवक ने की पेट्रोल कर्मचारी के साथ मारपीट। नोट बदलने की मांग पर पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल। गाजियाबाद महंत नरसिंहानंद सरस्वती का वीडियो वायरल। महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान। सोशल मीडिया पर हो रहा है ट्रोल। दिसंबर 2023 तक भव्य गर्भगृह में होंगे रामलला के दर्शन। नींव का काम पूरा। अब तक 7 होगा परकोटा और रिटेनिंग वॉल का निर्माण। कान्हा की नगरी नंदलाल के स्वागत को तैयार। जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाकर श्रद्धालुओं को दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। कन्हैया के दर्शन को आ सकते हैं सीएम योगी। गाजियाबाद में इस बार भी जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर में भक्तों की नहीं मिलेगी एंट्री। भक्तों को करने पड़ेंगे डिजिटल दर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने के चलते लिया गया फैसला। गोंडा जिला अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा। अस्पताल की इमरजेंसी में तीमारदारों ने किया हंगामा। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। नोएडा वीवो कंपनी के गेट के बाहर कर्मचारियों का जमकर हंगामा। संदिग्ध परिस्थिति में कंपनी के अंदर कर्मचारी की मौत के बाद शव मिलने से मचा हड़का। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। डीजल चोरी करने वाले गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में इलाज कराने आई महिला के साथ अस्पताल स्टाफ ने बलात्कार करने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी फरार। महिला की शिकायत पर केस दर्ज।
मेरठ में 10 घंटे के भीतर दो कत्ल की वारदात से दहला मेरठ। AIMIM पार्षद जुबैर की हत्या के 10 घंटे के भीतर बदमाशों ने देहात के इलाके में बसपा कार्यकर्ता मनोज चौधरी की गोली मारकर की हत्या। अलगढ़ में मूर्तिकारों का कारोबार ठप, महंगाई के चलते इस बार भी परेशान मूर्तिकार, बहुत महंगा मिल रहा है कच्चा माल। पुना में जिला अस्पताल परिसर में बनाए गए सामुदायिक और पिंक शौचालय निर्माण में यू और सपा समर्थित नगर पालिका अध्यक्ष ने पीलीभीत पर 14 लाख से अधिक सरकारी धन का किया पंथरपाट। शौचालय निर्माण में कार्यताई संस्थान को अग्रिम भुगतान, अनियमितता की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने डीएम को दिए जांच के निर्देश। डीएम की 4 सदस्य टीम ने सभी बिंदुओं पर इंजीनियरों की मदद से की गहन जांच। जांच टीम ने अधिकांश बिंदुओं पर पकड़ा बड़ा धांधली, डीएम ने मामले की रिपोर्ट कार्रवाई के लिए शासन को भेजी। गाजियाबाद में शनिवार की सुबह सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से चोरी हुए 2 के मासूम बच्चों को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। बच्चे को चोरी करने वाले किन्नर और उसके साथी को भी किया गिरफ्तार। कानपुर में करंट की चपेट में आने से 3 मजदूर झुलसे, 1 मजदूर की मौत, 2 घायल। निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे थे मजदूर, लोहे का बोर्ड उतारते वक्त हुआ हादसा। कानपुर में लुधियाना जा रही डबल डेकर बस पलटी, हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल, घायलों को पहुंचाया गया ट्रॉमा सेंटर। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, ज्वेलरी लूटकर भाग रहे बदमाशों का पुलिस ने किया पीछा, बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग। कानपुर देहात में तेज रफ्तार डीसीएम और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत, हादसे में डीसीएम के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल। कौशाम्बी में बच्चों को नहीं मिल रहा मिड डे मील, अभिभावकों ने जमकर काटा हंगामा, बीएसए ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। काबुल में हालत बेहद चिंताजनक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले आईएसआईएस खुरासान संगठन को एक बार फिर कड़ी चेतावनी, कहा ड्रोन स्ट्राइक को आखिरी न समझे, काबुल धमाकों के गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा अमेरिका को जब भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या हमारी सेना पर हमला करेगा तो हम करारा जवाब देंगे। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा बरकरार, अमेरिकी ने अपने लोगों से तुरंत हटने को कहा, 3 दिन में तीसरा अलर्ट। काबुल एयरपोर्ट के 3 प्रमुख गेट से अमेरिकी सैनिक हटे, तालिबान लड़ाकों ने इन इलाकों का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। तालिबान ने अपने कब्जे से बचे अफगानिस्तान के एकमात्र पंजशीर प्रांत में दाखिल होने का किया दावा। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य अनामुला समांगानी ने कहा इस्लामिक अमीरात की सेना ने बिना किसी विरोध और खून खराबे के पंजशीर में कर ली एंट्री। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद के समर्थकों ने तालिबान के दावों को किया खारिज, कहा पंजशीर में नहीं हुई कोई लड़ाई। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस, बीते 24 घंटे में 45,083 नए मामले आए सामने, वहीं 24 घंटे में 31,343 मरीजों ने दी कोरोना को मात। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस, एक दिन में 27 मरीज रिकवर हुए, यूपी में अब भी 329 केस एक्टिव। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,801 नए मामले आए सामने, जबकि 179 की हुई मौत। केरल में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले हफ्ते से पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का किया ऐलान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4,654 नए केस आए सामने, एक दिन में 170 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 61 नए केस, एक दिन में 62 मरीज रिकवर।
प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21 नए केस आए सामने, एक दिन में एक मरीज की मौत। उत्तरकाशी की बेटी अनामिका बिष्ट ने माउंट अबू पर किया फतह, 5,642 मीटर की ऊंचाई पर चढ़कर ऊंचा कीर्तिमान। मसूरी देहरादून लाइब्रेरी रोड पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 4 लोगों की गंभीर रूप से घायल। मसूरी में सड़क का पुश्ता गिरने से मकान हुआ क्षतिग्रस्त, प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह क्या क्या शिफ्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में जारी येलो अलर्ट, कई जिलों में हो सकती है मूसलाधार बारिश, लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील। लालकुआ में पहाड़ों में आफत की बारिश, तो वही मैदानों में बाढ़ जैसी हालात। लंबे समय से बेहतर पानी निकासी की व्यवस्था की मांग कर रहे थे क्षेत्रवासी, नहीं हुई सुनवाई। हरिद्वार में शाम से हो रही लगातार बारिश, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर के कई बाजार और चौराहों पर बारिश के चलते जलभराव की स्थिति। एक्टर अरमान कोहली के घर एनसीबी का छापा, हिरासत में लिए गए अरमान कोहली, ड्रग पेडलर से पूछताछ में बड़ा खुलासा। फिल्म चेहरे में अमिताभ बच्चन ने किया बिना फीस के काम, इससे पहले ब्लैक में भी मुफ्त काम कर चुके अमिताभ, अंसाली के काम से हुए थे प्रभावित। एक इंटरव्यू में वरुण धवन ने किया था बड़ा खुलासा, शाहरुख काजोल को पति पत्नी समझते थे वरुण धवन, मन्नत में गौरी को देखकर हुए थे हैरान। जेठालाल के रोल के लिए दिलीप जोशी नहीं थे पहली पसंद, उनसे पहले 5 और एक्ट्रेस ने ठुकराया था रोल। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज की गाड़ी दिन दहाड़े चोरी, शूट में व्यस्त थे टॉम क्रूज को हुआ भारी नुकसान।